बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के ऐलान को लेकर बहस चल रही है, उससे आम जनता को रास तौर पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो 20 लाख करोड़ रुपए किस तरह भारत की मईशत को फ़रोग देने में काम आने वाले हैं, आज वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने बता दिया है, जिसे आप बुलेटिन में तफसील से समझ पाएंगे। वहीं भैंसा शहर में पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद अब हालात मामूल पर आ गए हैं। मजदूर भी ट्रेन्स के ज़रिए अब अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का सिलसिला अब भी जारी है। लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल करने के साथ घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना ज़रूरी है, और हाँ, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का भी भरपूर ख्याल रखते हुए कोरोना से बचना है। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्म्ड फोर्सेस के सभी कैंटीन्स पर अब मिलेंगे सिर्फ देसी प्रोडक्ट्स, पीएम मोदी की अपील पर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने लिया बड़ा फैसला। बीस लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुद कफील भारत का मतलब ये नहीं कि भारत दुनिया से अलग थलग देश बन जाएगा। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का 16 मई से होगा आगाज, तेलंगाना के लिए 16 और आंध्रा के लिए 9 तैयारे चलाए जाएंगे। जहीराबाद में बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रिएक्टर में हुआ धमाका, 2 मुलाजमीन हलाक, 1 जख्मी। मेलुकीन के अफराद खानदान को फीकस 15 लाख रुपए देने कंपनी ने किया ऐलान। पचास दिनों बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नजर आया मुसाफिरों का हुजूम, स्टेशन पर मुसाफिरों की सख्ती से की जा रही है जांच, सोशल डिस्टेंसिंग पर खुसूसी तवज्जो। कम्युनल वायलेंस से मुतासरा भैंसा शहर में हालात मामूल पर, फिरकावाराना तशद्दुद मामले में 21 अफराद हुए गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील, शुरुआत करते हैं तेलंगाना से आई सबसे बड़ी खबर से। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के अर्जुन तांडा इलाके में वाक़े बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रिएक्टर में धमाका हुआ है, जिसमें 2 मजदूर हलाक और बास दीगर झुलस गए हैं। मेलुकीन की शनाख्त साबिर और गौस के तौर पर हुई है। कंपनी की तरफ से मेलुकीन के अफराद ख़ानदान को 15-15 लाख रुपये मालियत इमदाद फराहम करने का वादा किया गया है। बता दें कि यह धमाका इस कदर शदीद था कि इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड के अहलकारों को इस बात की इतला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। इसी दौरान झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। MLC फरीदुद्दीन और MLA ने हादसे के मुकाम पर पहुँच कर हालात का जायज़ा लिया, जबकि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की फरहमी का तहखुन दिया। इस बीच पुलिस ने रिएक्टर में होने वाले धमाके की जांच शुरू कर दी है। सकते कोई भी नहीं ला सकता, कितने पैसे दिए मेरे को जान वापस आने वाली नहीं, फिर भी मगर कोशिश करके हम लोग 15-15 लाख आप लोगों को भारत को खुद कफील बनाने के लिए अपने मुल्क में तैयार प्रोडक्ट्स को फरोख देने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही मरकजी वजारत दाखिला ने फैसला किया है कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की सभी कैंटीनों और स्टोर्स पर अब सिर्फ मुल्क में तैयार प्रोडक्ट्स ही फरोख्त किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ट्विटर पर यह इत्तला दी। उन्होंने ट्वीट के शुरू में इसे एक उन्वान भी दिया, एक अज़्म एक हदफ खुद कफील भारत। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने के लिए अपने मुल्क में तैयार प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की अपील की है। इसे देखते हुए वजारत दाखिला ने यह फैसला किया है और इन कैंटीन्स में अब सिर्फ
स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। बता दें कि भारत को खुद कफील बनाने के वज़ीर आज़म के ऐलान को माहिर मुआशियात स्वदेशी मूवमेंट 2 के तौर पर देख रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने आज पीएम मोदी की जानिब से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को खुद कफील बनाने के मामले में तफसीली नज़रिया पीएम मोदी ने दिया है। इस दौरान उन्होंने वजाहत भी की कि खुद कफील भारत का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि भारत दुनिया से एक अलग थलग देश बन जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आज बुध को बताया कि खुद कफील भारत के लिए 20 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। सरकार ने MSME, NBFC, MFI, डिस्कॉम, रियल इस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 ऐलानात किए हैं। MSME को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, इससे 45 लाख इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। पीएफ में सरकार भी अपना ताउन देगी, इससे करीब 70,22,000 मुलाजमीन को फायदा होगा। इसके अलावा TDS की शरहों में 25% तक कटौती मार्च 2021 तक की जाएगी, इससे 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है। लॉकडाउन की वजह से बैरूनी ममालिक में फंस जाने वाले भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के लिए 16 और आंध्र प्रदेश के लिए 9 तैयारे चलाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज 16 मई से शुरू होगा। 16 मई से 22 मई तक 31 ममालिक से 149 तैयारों के जरिए भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स की तैयारी के लिए माइक्रोमैक्स और तेलंगाना हुकूमत के टी वर्क्स के साथ एग्रीमेंट तय पाया है। मोबाइल हैंडसेट तैयार करने वाली भगवती प्रोडक्ट्स, जो माइक्रोमैक्स ब्रांड से गैजेट्स की पैदावार करती है, ने COVID-19 की वबा के रोकथाम के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर्स की तैयारी के लिए ये मुआहदा तेलंगाना हुकूमत के साथ किया है। इस मुआहदे के हिस्से के तौर पर माइक्रोमैक्स ने हैदराबाद के नवाई इलाके की ECT महेश्वरम रंगारेड्डी में ये वेंटिलेटर्स तैयार करने का फैसला किया है। वाजह हो कि अप्रैल की 20 तारीख को वजीर IT KTR और NIMS के डॉक्टर्स की मौजूदगी में इन वेंटिलेटर्स का कामयाब मुजाहरा पेश किया गया था। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राजेश अग्रवाल ने वेंटिलेटर्स की तैयारी के लिए तेलंगाना स्टेट के साथ हुए इस एग्रीमेंट पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे COVID-19 की वबा से मुकाबले में मदद मिलेगी। तकरीबन 50 दिनों बाद जनूबी हिंद के अहम तरीन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों का हुजूम देखने को मिला। लॉकडाउन में नरमी के बाद वजारत रेलवेज की जानिब से बाज ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी के हिस्से के तौर पर बेंगलुरु से नई दिल्ली तक वाया सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। बेंगलुरु स्टेशन से सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचने के बाद 288 मुसाफिरीन यहां से कौमी दारुलहुकूमत नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। हर मुसाफिरीन की सिकंदराबाद स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और ट्रेन में भी सामाजिक फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने किसानों से अपील की है कि रजाकाराना तौर पर आगे आएँ और कैनालों की तामीर के लिए अराजियात हवाले करते हुए अपना हिस्सा अदा करें। उन्होंने आज सिद्दीपेट में 300 से ज़ायद किसानों में पट्टादार पासबुक्स तकसीम किए। हरीश राव ने इस मौके पर कहा कि सिद्दीपेट रूलर और अर्बन मंडलों को बहुत जल्द मल्लन्ना सागर से पानी हासिल होगा। ज़िले निर्मल के भैंसा शहर में 2 दिन पहले पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद अब हालात मामूल पर आ गए हैं। ज़िला SP शशिधर रेड्डी ने बताया कि भैंसा शहर में पेश आए 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 21 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जबकि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर मज़ीद 40 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह पुलिस पिकेट्स कायम किए गए हैं और 24 घंटे शहर में कर्फ्यू पर अमल करने के साथ साथ पुलिस की चौकसी में भी मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने भैंसा की आवाम से अपील की कि जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में पिछले 2 दिनों से शहर में अमन कायम है, उसे हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए और हर मजहब का एहतराम करते हुए अपने अपने तरीके से इबादत की जाएँ। एक दूसरे के साथ रहते हुए
हमने कई ईद और त्यौहार एक साथ मनाए हैं और हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली तहजीब पर अमल करते हुए भैंसा शहर और यहाँ रहने वालों की तरक्की के बारे में हमें अब काम करना चाहिए। लड़ना झगड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इससे हर दो का नुकसान ही होगा। సూపర్ మస్జిద్లో ఒకతను మధ్య మధ్యలో ఎంట్రై న్యూసెన్స్ చేయడము, దాని ద్వారా అతన్ని బయటికి పంపించడము, ఆ తర్వాత ఏర్పడిన రెండు వర్గాలుగా ఏర్పడి గాలి విసిరిపోవడము, ఆ తర్వాత కారు ఒక ఆటో ఒక మోటార్ సైకిల్ డ్యామేజ్ అవడము, ఈ వరుస సంఘటనలతో వెంటనే పోలీసులు ప్రమత్తమై అందరినీ చెదరగొట్టి కేసులు రిజిస్టర్ చేసి దాదాపు 21 మందిని అరెస్ట్ చేయడము, తర్వాత ఒక 40 మందిని లాక్డౌన్ వయలేషన్ కేసుల్లో అరెస్ట్ చేయడం, ఆ తర్వాత పికెట్స్ పెట్రోలింగ్ పెట్టుకుని బెన్సాలో ప్రశాంత వాతావరణాన్ని గత 2 రోజులుగా మనము ఖబర్నామే ఫిల్హాల్ వక్తు ఎక్ బ్రేక్ కా ములాఖాత్ హోగి ఇస్ ఛోటే సే బ్రేక్ కే బాద్।